जब तक हमारे दीदी मीसा भारती और पार्टी नहीं देखेगी तब तक हम इस पर कुछ नहीं। बाहुबली कहने पर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए बाहुबली कल भी थे आज भी हैं, उम्मीद करते हैं कि लोगों के आशीर्वाद से कल भी रहेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जब तक हमारी दीदी मीसा भारती हमें ये नहीं कह देती और जब तक हमारा पार्टी यानी आरजेडी हमें नहीं कह देता तब तक हम पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कहना है बिहार के आरजेडी के बाहुबली विधायक दानापुर से विधायक रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव अपने बाहुबली अंदाज के लिए काफी फेमस हैं और इतना ही नहीं गरीबों के बीच भी ये काफी फेमस है। गरीबों के लिए ऐसा न्याय की मूर्ति और क्या बोलते हैं गरीबों की मसीहा के रूप में देखे जाते हैं रीतलाल यादव। आए दिन इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है। हालिया में उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसका भी जो वीडियो है उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया था जिसमें गरीबों के साथ वो छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आ रहे थे, केक कटिंग करते नजर आ रहे थे, गरीबों को कंबल वितरण कर किए रीतलाल यादव ने। इतना ही नहीं आपको बताया रीतलाल यादव से जब ये पूछा गया कि क्या आप पाटलिपुत्र से आगामी लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में उसमें क्या आप पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर रीतलाल यादव का कहना होता है कि जब तक हमारी दीदी मीसा भारती नहीं कह देती और जब तक हमारा पार्टी आरजेडी नहीं कह देता मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी दीदी मीसा भारती कह देती हैं कि मुझे लड़ना चाहिए तो मैं जरूर लड़ूंगा। इतना ही नहीं उनसे उनके बाहुबली अंदाज पर पूछा गया, बाहुबली वाले विधायक के अंदाज पर जब सवाल पूछा गया तो रीतलाल यादव कहते हैं कि आज से तो नहीं, मैं तो बहुत पहले से ही बाहुबली हूं और मेरा ये जो बाहुबली वाला अंदाज है ये काफी फेमस है, लोगों को पसंद भी है, जनता को पसंद भी है। क्या कुछ कह रहे हैं रीतलाल यादव, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। पाटलिपुत्र की जनता, लोकसभा की जनता सर आपको भावी सांसद के रूप में देखना चाह रही है, क्या कहेंगे सर इसका? जब तक हमारे दीदी मीसा भारती और पार्टी नहीं देखेगी तब तक हम इस पर कुछ नहीं। यहाँ के जो आयोजक है रंजीत यादव, क्या आग्रह करेंगे पाटलिपुत्र की जनता के साथ? मेरी जनता से यही आग्रह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बूथ कमेटी बनाए और महागठबंधन की सरकार को सहयोग के रूप में आगे बढ़ाते सर क्या मुद्दा रहेगा? ये तब बात होगी जब हम आएंगे। तो सर आपकी छवि दो तरह की बनी हुई है, एक गरीबों के मसीहा के रूप में लोग आपको जानते हैं, एक तरह बाहुबली भी कहते हैं सर, बाहुबली कहने पर कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए बाहुबली कल भी थे आज भी हैं, उम्मीद करते हैं कि लोगों के आशीर्वाद से कल भी रहेंगे। बिल्कुल, गरीब के लिए आप बाहुबली हैं, उनके हक पर आवाज उठाते रहते हैं। हर व्यक्ति के लिए बाहुबली है, जिसका जिस रूप में देखना उस रूप में देखें, जिसका मीसा भारती काम आएगा नहीं लड़ेंगे तभी आप लड़ेंगे यहाँ से। हाँ बिल्कुल, वो आशीर्वाद देंगे, पार्टी आशीर्वाद देगा तभी चुनाव लड़ेगा। तो सर रामकृपाल का जनता का कहना है कि रामकृपाल यादव को हरा कर सकते हैं तो सिर्फ आप ही हरा सकते हैं, क्या कहेंगे? पार्टी विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रीतलाल यादव कहते हैं कि पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने पर राजद विधायक रीतलाल यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी टिकट देती है और मीसा भारती मेरी दीदी का अगर आशीर्वाद रहा तो अवश्य राजद के टिकट पर मैं पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकूंगा, लेकिन जब तक पार्टी निर्णय नहीं लेगी तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। इतना ही नहीं उनसे जब पत्रकारों ने उनके बाहुबली छवि पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बाहुबली मैं शुरू से हूं, हर व्यक्ति के लिए मैं बाहुबली के रूप में ही जाना जाता हूं। तो देखिए लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले सवाल पर रीतलाल यादव का जवाब सामने आया है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बयान देते हुए रीतलाल यादव ने कहा है कि मेरी दीदी मीसा भारती अगर मुझे टिकट दे देती है, मेरी मुझे आशीर्वाद दे देती है, मेरी पार्टी राजद अगर मुझे टिकट दे देती है तो क्यों नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब तक ये लोग कुछ नहीं कहते तब तक मैं इस विषय में इस शब्द पर कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही नहीं उनसे जब उनके बाहुबली छवि के बारे में उनके बाहुबली वाले अंदाज के बारे में पूछा जाता है तो रीतलाल यादव कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही बाहुबली रहा हूं, आज की तो बात नहीं है, मैं विधायकी मैंने शुरुआत ही की अपने बाहुबली वाले तेवर से, बाहुबली वाले अंदाज से और मैं हर एक व्यक्ति मुझे बाहुबली विधायक के नाम से जानता है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।